यार नीम का पेड़ बहुत सारा है तो सर भाई इस पर नहीं कर पाता हूँ, देखते हैं आज पानी आ गया है। भाई 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 ये फोन लेने से ज्यादा इस फोन में थोड़ा प्रॉब्लम आया रुपीज का। तो गाइस सर हम आए थे इधर थोड़ा नीम का दतमन तोड़ने बगीचा में, देखिए इधर किस तरह का है रास्ता, जंगल टाइप का है और इधर तोड़ते हैं नीम का दतमन। इधर नीम का पेड़ बहुत सारा है, देखा पूरा का पूरा नीम ही है, पूरा नीम है इधर, तो इधर से ही तोड़ कर के बाद चलेंगे घर। दतमन बहुत सारा तोड़ लिए हैं और भैया भी रख लिया है। नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा है, जब तोड़ने का आता है तो इधर ही आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से वही वाला सीन आ चुका है, डंडा पर से पार होना पड़ेगा। आए थे रोड पर से, ये लोग आया था इधर से, हमको साथ में भी जाना पड़ेगा इधर से ही। मैं तो सर भाई इस पर नहीं कर पाता हूँ, देखते हैं आज क्या होता है। अगर गए तो मोबाइल के साथ जाएंगे आराम से। जियो जियो जियो। अब मैं आ पाई यहाँ से अंदर, यहाँ से ऐसे। ओह यार पार हो चुके हैं। अब चलो ये सामने वही घर भूतिया वाला, यहाँ पे सब चप्पल पहनकर अंदर पानी में, मेरा तो आदत ही है। ओह एक और पानी आ गया है। अरे भाई 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 पलवा का नहीं ये चप्पल गया इसका, लो हाथ ले आओ, हाथ ले आओ, मिल गया। तो बहुत ज्यादा ओह चढ़ चुके हैं, इधर ही पानी चल रहा है। देखिए यार यहाँ पे ही पानी है तो यहाँ पे भी पार करना पड़ेगा हम लोग को, तो इसे पार करते हैं आराम से। अरे 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 इस पर रख दो, पार होइए जल्दी जल्दी पार होइए। देखिए आ गए रोड पर, चलेंगे घर। घर पर पहुंच चुके हैं। ना या यहाँ पे आ चुके हैं घर, तो अब लगते हैं इसको। अब यार घर पहुंच चुके हैं तो जल्दी से निहाते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा, और उसके बाद खाते हैं। फिर चलिए निहा लिए हैं और चलते हैं खाना खाने। चाय 15 से ज़्यादा हो गया है और सुबह से मतलब कि एक टाइम खाए हैं, उसके बाद नहीं खाए हैं, तो चलते हैं खा ही खाते हैं। वो खा लिया गाइस, सर हो चुका है रात, 8 बजने हैं, 8 बज चुका है, और एक फ़ोन अभी ऑर्डर करवाएँ। तो अभी त्यौहार में थोड़ा रुपीज का प्रॉब्लम था, बट क्या करें करवाना पड़ा। फिर पापा चल जाएंगे तो पापा को वो लेकर देंगे। और यार ये फ़ोन लेने से ज़्यादा इस फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम आया रुपीज का, बट क्या करें अभी त्यौहार आ चुका है ना, इसलिए थोड़ा लग रहा है, बट कुछ बात नहीं, इस दशा थोड़ा डाउन जाएगा, देखा जाएगा। अब चलते हैं खाने, यार टाइम हो चुका है खाने का। खाना में हमारा यही है, रोटी सब्जी भुंजिया चटनी और इधर चावल भी है। तो पहले ये रोटी खाते हैं, उसके बाद चावल खाएंगे। आज के लिए कहते हैं बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हर भर नवरात्रा मतलब कहिए तो ऐसा ही चलेगा, पहले रोटी उसके बाद भात। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।